वही फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। अमीषा पटेल में धोखाधड़ी का मामला जो है उन पर दर्ज था। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ है। अमीषा पटेल के 2.75 करोड़ देने की सहमति पर समझौता। अग्रिम रकम के तौर पर अमीषा पटेल ने दिया 20 लाख रुपए। अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह जो कि वीसी जुड़े हुए हैं, दोनों पक्षों से जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने बातचीत की है, जिसके बाद समझौते पर बात बनी है और फिलहाल जो है 20 लाख रुपए शिकायतकर्ता को दिया गया है। दोनों पक्षों से जस्टिस जो है सुजीत नारायण प्रसाद ने बातचीत की है और बता दें कि फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़ा धोखाधड़ी का ये मामला है। काफी लंबे अरसे से ये मामला चल रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव रखा गया। अमीषा पटेल के 2.75 करोड़ का उनपे जो है धोखाधड़ी का ये मामला है। रांची से ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर दीपक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों से जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने बातचीत की है और एक जो है सलाह मशवरा इन दोनों के बीच हुआ है, क्या पूरी जानकारी है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़ा चेक बाउंस का मामला रांची व्यवहार न्यायालय में चल रहा था और एक लंबे अवस्थे से चल रहा था। 2018 में शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज की थी, धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। और चूंकि अजय कुमार सिंह से देसी मैजिक फिल्म बनाने के नाम पर अमीषा पटेल ने पैसा ली थी और वो पैसा वापस नहीं की, पैसा मांगने पर अजय कुमार सिंह को 2 चेक दिया था 3 करोड़ रुपया का, जो बाउंस कर गया था और उसको लेकर के जो मामला है न्यायालय में चल रहा था। पिछले कई दिनों से जब मामले की सुनवाई हो रही थी, डिफेंस के तरफ शिकायतकर्ता के तरफ से 2 गवाह भी अदालत में पेश किया गया था, लेकिन बचाव पक्ष के तरफ से कह सकते हैं अमीषा पटेल के तरफ से गवाह पेश नहीं किया गया है अभी तक। और दोनों ही मामलों को लेकर के दोनों ही पक्ष जो है वो सुलह समझौता के लिए तैयार हुए और अथक प्रयास से कह सकते हैं कि सुलह समझौता जो है आज हो गई है। पिछले कई दिनों से सुलह समझौता की पेशकश की जा रही थी और अंततः आज दोनों पक्ष के बीच जो है समझौता हो गई है। 5 किस्तों पे पूरा पैसा रिटर्न करने के लिए अमीषा पटेल ने तैयार हुई है और 2.75 करोड़ रुपया देने को तैयार हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष जो है वो तैयार हुए हैं। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है और साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसी दिन ये जो चेक बाउंस से संबंधित मामला था फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता जो अजय कुमार सिंह है दोनों के बीच कह सकते हैं कि अमीषा पटेल को थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही। तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिल्म अभिनेत्री पर जो है धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ, हालांकि आपसी सलाह मशवरा के बाद कहा जा रहा है समझौते के तौर पर दोनों के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद अग्रिम रकम के तौर पर अमीषा पटेल ने 20 लाख रुपए दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।